अब निकलेंगी तो किन किन विभागों में फिलहाल किस तरीके से ब्यौरा मांगा गया है, जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से, हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले तमाम विभागों में जिस तरीके से भर्तियां निकाली गई हैं, इसके पीछे का देखिए जो सरकार का उद्देश्य है कि अपने एजेंडे में जिस तरीके की बातों को उन्होंने शामिल किया था, और रोजगार जो है वो मुख्य रूप से था, इसको ध्यान रखते हुए किया जा रहा है कि अब जितने भी सभी जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की जाए। इसको लेकर विभागों से एक ब्यौरा मांगा गया, उसमें चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर अगर बात करी जाए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हाईकोर्ट की बात कर ली जाए, क्योंकि देखिए दोनों ही विभाग जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग की देखिए अगर बात कर लें तो लगभग 51,000 जो शिक्षकों के पद हैं जो काफी लंबे समय से खाली हैं, हालांकि कुछ लोगों के रिटायरमेंट हो जाते हैं या कुछ लोग नौकरी छोड़ देते हैं, ऐसे तमाम जो पद हैं इनको लेकर है। और राजकीय विद्यालयों की अगर बात कर ली जाए 7470 शिक्षकों के पद खाली है, जिसमें 2215 जो प्रवक्ता है और एलटी संवर्ग के लगभग 5256 पद। और इसी तरीके से देखिए यूपी में अगर 2017 से लेकर हम अब तक की बात कर लेते हैं तो भारी संख्या में, बड़ी संख्या में 1,64,000 शिक्षकों के पदों को भरा गया है। हाईकोर्ट में अगर देखिए बात करी जाए समूह गांव और घा के लगभग 3992 पदों पर भर्ती की जाएगी। उच्च न्यायालय में भर्ती की जो तिथि है अंतिम 13 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की है। तो ऐसे में देखिए एक जो नियत है सरकार की, या फिर बात करी जाए जो रोजगार को देने को लेकर उन्होंने अपने वादे किए थे उनको धरातल पर पूरा किया जाए, उसमें किसी भी तरीके से देरी ना हो। आने वाले समय में चुनाव होंगे, उसके बाद तमाम तरीके की जो अधिसूचना की बात कर ली जाए, या तमाम तरीके से होता है कि रोजगार में दिक्कत आती है, तो इसको लेकर सरकार की एक ये बड़ी योजना है, ब्यौरा मांगा है, और आने वाले समय में इसका एक पूरा मसौदा तैयार करके इसको धरातल पर उतारा जाएगा। बिल्कुल, युवाओं को चाहिए एक अदद रोजगार, और बस भले ही चाहे चुनाव, चुनाव के पहले एक युवाओं की जो है मंशा पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए संदीप।